नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। स्टॉप टीवी पर आजकल कलाकारों और साहित्यकारों की संघर्ष यात्रा का वृतांत हम दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे साहित्यकारों और कलाकारों का पहले भी दिखाया गया है, आप इसको देखिए। और आज हमारे बीच बेगूसराय ही नहीं, बिहार के ऐसे चर्चित कलाकार और कलाकारों के अलावा आप नाटककार भी हैं, मौजूद हैं मिथिलेश कांति। मिथिलेश कांति एक सुदूर गांव से आते हैं और गांव में जो प्रतिभा है, छिपी हुई प्रतिभा, किस तरह मुखरित होकर वो बाहर वो अपना जलवा दिखाता है, वो आप मिथिलेश कांति जी से सुनेंगे। मिथिलेश कांति जी ने कई पुस्तकों की रचना की है, कई नाटकों नाट्य पुस्तकों की, और आपने बहुत सारे मंचों पर काम किया है। इसके अलावा आपके बहुत सारे संस्थाओं से आपका संबंध भी रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉप टीवी की ओर से। आप अपने जीवन संघर्ष यात्रा के बारे में विस्तार से बताएं कि कैसे आपने इन विधा से कैसे संबंध हुआ, कब से संबंध हुआ, इसके प्रेरणा के स्रोत क्या क्या रहे, और कोशिश करें कि कुछ ऐसी बातों को भी शामिल करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। मिथिलेश कांति जी, सबसे पहले मैं स्टॉप टीवी मुंबई द्वारा संचालित इससे जुड़े हुए तमाम सदस्य को, डॉक्टर महोदय को नमस्कार करता हूं। और मैं स्टॉप टीवी मुंबई द्वारा प्रसारित साहित्यकारों कलाकारों के संघर्ष को सुनता रहा हूं, देखता रहा हूं, बड़ी चर्चा में रही है और मुझे आज ऐसा अवसर मिला है और मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। और यह संघर्ष यात्रा जो होती है सभी कलाकारों की होती है, और खास करके मैंने नाट्य विधा की बात करूँ तो ये बतला दूँ, मेरे गांव में 85-86 में नाटक हुआ करता था और बेगूसराय से बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर कलाकार नाटक करवाने जाया करते थे। कौन सा गांव है वह भी बताइए ना। और मैं जुनेदपुर गांव, जो सदर में ही पड़ता है, रजौरा पोस्ट ऑफिस हुआ, तो मैं इसी जुनेदपुर सुदूर गांव से प्रवेश करता हूं और सदर प्रखंड है, तो वहां नाटक हुआ करता था और मैं बचपन में नाटक देखता था और उससे मैं प्रभावित होता था कि काश मुझे भी नाटक के क्षेत्र में कुछ काम करने का मौका मिल जाता। मैं देखते रहा और 1990 की बात है, एक छोटा सा रोल मुझे मिला था। फिर मैं छोटा छोटा नाटक करता था, लोग करवाते थे, जिज्ञासा बढ़ती गई और साक्षरता अभियान कला जत्था के रूप में काम करने की योजना बनी। जब उसमें बनी तो मैंने जुड़ गया था, एक जुनेदपुर में भी कला जत्था बनाया था। असंजोग से मुझे सब लोगों ने संचालक का भार संभाला था, चूंकि मैं नाटक से ज्यादा च्वाइस रखने लगा था। उसी समय से मुझे जिज्ञासा बनी, कला जत्था से भी मैं बहुत कुछ सीखा, जिसमें अवधेश जी कला जत्था बेगूसराय से संचालन कर रहे थे और मुझे वहां से ऐसा लगा कि नाट्य विधा में कुछ कार्य करना चाहिए। और उस समय जब लोगों से पता चला तो अनिल पतंग का नाम मैंने सुना, काफी चर्चा में थी, और उस समय नाट्य विद्यालय बेगूसराय चल रहा था जो अभी वर्तमान में भी है, तो मैं उनसे संपर्क किया। बड़ा ही मुश्किल से संपर्क हुआ था, कुछ गांव के लोग थे जो संपर्क करवा दिए, और मैंने 1996 में नाट्य विद्यालय बेगूसराय से बेगूसराय में दाखिला ले लिया और पढ़ाई जारी किया। मुझे लगता है कि नाट विधा के क्षेत्र में बहुत कुछ मैंने नाट विद्यालय बेगूसराय से सीखा। सैद्धांतिक बात हो, मंच की बात हो, एक्टिंग की बात हो,
मन से जुड़े हुए जितने तमाम गतिविधि है, मैं विधिवत और सैद्धांतिक चीज नाट विद्यालय बेगूसराय से सीख लिया। फिर नवतरंग बेगूसराय उसमें मैं जुड़ा, उससे मेरी प्रैक्टिकल होती रही और बाद में मैं उसमें अहम भूमिका निभाने लगा और फिर निर्देशन का भी कार्य किया। बहुत नाटकों का मैं नवतरंग बेगूसराय से कार्य किया हूँ। जहाँ तक संघर्ष की बात होती है तो मैं 2003 में लखनऊ चला गया। वहाँ मैं पार्ट ऑफ जॉब भी करता था लेकिन कलाकारी ने मुझे इतना नजदीक से खींच लिया था कि मैं वहाँ नाट्य भारतेंदु नाट अकादमी से जुड़ा था। मेकअप में विशेषकर प्रशिक्षण किया, लखनऊ में मैंने कई नाटक किया। वहाँ सुशील कुमार सिंह 2003-04 में निर्देशक थे, उनसे जुड़ाव हुआ और कुछ गतिविधि और बहुत कुछ नाटक देखने का सीखने का मौका मिला। फिर मैं 2005 में दिल्ली चला गया। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे नाटकों को मैंने देखा, विदेशी नाटकों को भी देखा, संगीत नाटक अकादमी में देखा, श्रीराम सेंटर में, नेशनल स्कूल ऑफ में, बहुत सारे वहां तो नाटकों की पूरी टीम आती है देश विदेश से। और मैंने बहुत समझा, संगीत नाटक अकादमी साहित्य में भी मैंने सदस्य बना, बहुत सारे पुस्तकों को मैंने वहां पढ़ा था। वहीं मैं एक छोटा सा उस समय नाट्य विद्यालय के नाम से कुछ एक्टिंग क्लास भी चलाया था, जो ये आपको लाल किला लक्ष्मी नगर के पास पड़ता है, उसी क्षेत्र में मैं था। जहां तक संघर्ष की बात है, नाट्य विधा एक सब विधाओं में से जटिल विधा है। इसको चयन कर लेना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह विधा आपको शुरू में जीने का स्रोत नहीं देता है। इसमें बहुत मेहनत करना होता है, बहुत उतार चढ़ाव होता है। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि नाटक में जुड़ जाएंगे, कलाकार बन जाएंगे, टीवी में चले जाएंगे, धारावाहिक में चले जाएंगे, फिल्म में चले जाएंगे, लेकिन ये सब तक पहुंचने में कलाकार अधिकतर टूट जाते हैं। मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे साथी हैं, सैकड़ों साथी का नाम मैं बता सकता हूं और ये कह सकता हूं कि सैकड़ों साथियों में से अभी 5-10 ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने संघर्ष जीवन में क्या है और अब नाट्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, धारावाहिक के क्षेत्र में, किसी चैनल के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नाट्य के क्षेत्र में बनकर अपना लाइफ को बनाया है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष, तो मैं एक छोटा सा बता दूं अपने जीवन की संघर्ष। मैं दिल्ली में था, नाटक देखता था, लेकिन मुझे याद है वो दिन खाने के लिए मुझे नहीं था, 3 दिन तक मैं खाना नहीं खाया था। मुझे रोज़ भी आता है वो दिन देखकर, लेकिन नाट्य विधा की वो जज्बा है, नाट्य विधा ने मुझे अपनी ओर खींचे रखा, उस भूख को प्यास को मिटा दिया और मैं वहां बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन मैं बहुत कुछ सीखने के बाद इतना तो जरूर कहूंगा कि नाट्य विद्यालय बेगूसराय में जो मैं गतिविधि को सीखा वो बेहतर चीज मुझे हर जगह काम देते रहा है और वही जो है विधा जो मुझे नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी ले गया। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छे नाटककार हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि नाटक के क्षेत्र में मैंने कुछ लिखा है, कुछ फिल्म भी बनाई है। दारू भोजपुरी फिल्म, हमार कर्तव्य, जट जटिन हिंदी फिल्म, लव यू दुल्हन मैथिल फिल्म, अंत शॉर्ट फिल्म है और बहुत सारे फिल्म है, जैसे पैसा नाच नचावेला जो निर्माणा अधीन है, काम किया जी, मैंने इसमें काम किया है। और अब मुझे लगता है कि मैं इस नाट्य विधा से बहुत कुछ अर्थ भी उपार्जन करता हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो नाट्य विधा है, संघर्ष होना है और हर कलाकारों को जीवन की संघर्ष होती है और संघर्ष में ही भी सफलता है, संघर्ष नहीं तो सफलता कहाँ। मिथिलेश जी, आपने कौन कौन से नाटकों की रचना की उसकी भी चर्चा कर दें और वो कहाँ से प्रकाशित है। सबसे पहले तो मैं नाटक की जो रचना की थी शुरू में वो क्षेत्रीय नाटक थे,
आजाद देश के रखवाले जो क्षेत्रीय नाटक थी वो प्रकाशन नहीं हुआ, मंचन होने वाला था वो भी नहीं हुआ। फिर माँ का रक्षक नाटक एकांकी का रचना क्या था शुरू शुरू में, और ये 1996 में नाट विद्यालय बेगूसराय से टाउन हॉल बेगूसराय में प्रस्तुति हुई और उससे मेरी पहचान बनने लगी। फिर उसी से मैं एक गधा नाटक लेकर गया था, अच्छी नाटक थी लेकिन गधा शीर्षक होने के कारण वह विवादों में रह गया। और नाटक एक और खामोशी मैंने रचना किया और इसके बहुत सारे प्रदर्शन हुए, नवतरंग बेगूसराय से भी टाउन हॉल में इसका बड़ी ही संख्या में मंचन हुआ। और 2006 में यह नाटक शशांक पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ और वह नाटक मुझे काफी पहचान दिला दिया। फिर 2012 में पाषाण युग का अंत नाटक प्रकाशित हुआ और यह भी ख्याति प्राप्त रहा। जैसा लोगों का कहना है, मैं अपने बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जैसा महसूस हुआ है। और फिर मेरी सबसे पहले एक कहानी प्रकाशित हुई थी 1998 में, काला भूत। वो कहानी भी काफी चर्चित रहा है, लोगों के बीच में गई है। और अभी फिलहाल मेरी एक नाट्य एकांकी संग्रह पुस्तक आ रही है, प्रजातंत्र का पहिया जाम। इसमें 4 नाटक हैं, एक प्रजातंत्र का पहिया जाम नाम से नाटक है और दूसरा गांधी जी के 3 बंदर नाटक है जो गांधी जी के कथनों पर उपदेशों पर आधारित है, और तीसरी नाटक है आहुति जो देश की कुर्बानी के लिए देश को समर्पित यहाँ के कुर्बानी के लिए है, और एक और है उसमें नाटक मैं भूल भी रहा हूँ कुछ है आहुति तो वीरों का बसंत, ये भी बहुत अच्छी नाटक है, बढ़िया नाटक है। तो ये भी हमको लगता है 1 महीना में आ जाएगी, सारा चीज बन गया है, थोड़ा लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब आ जाएगी। तो इस तरह से, और मैं लेखन क्षेत्र में हूँ, बिहार की लोक कथा कहानी मैं बहुत सारा लिख चुका हूँ, वो भी पूर्ण होने वाला है, इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा आप एक अभिनेता भी हैं, और आपने अभिनय के क्षेत्र में किन किन नाटकों में कौन सी भूमिका की, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर दे तो बेहतर हो। मैं जो माँ का रक्षक में लीड रोल किया था, उसके बाद राजा दंगा का निर्देशन किया और उसमें रोल भी किया था जो रजौरा में हुई थी, और फिर मैं एक और खामोशी उसमें किया, उसमें भी मैं नारद का रोल किया था, गुड बाय स्वामी लखनऊ में किया था, और उसके बाद शरद जोशी के अंधों का हाथी दिल्ली में किया था, पटना में जो मैं एक नाटक ले गया था साक्षरता के बढ़ते कदम वो भी गया था, उसके बाद राजा नंगा में मैंने किया है, और पतंग सर की कई नाटकों को मैंने निर्देशन किया है जैसे डोमकच हुआ, जटिन हुआ, तो ये सारे हैं। अब उस नाटक में से कोई नाटक में अच्छा सा डायलॉग जो याद हो उसको आप सुनाए। आज जो नाटक हुआ है रामेश्वर प्रेम की है, जल डमरू बाजे, उसमें मैं मेन रोल एक जो बाढ़ में बस जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उससे संबंधित मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे बुधनी देखो तो बाढ़ आ गया, हे बुधनी भाग 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 बुधनी, अरे जल्दी भाग रही, देख 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 ये मंदिर देख पूरा डूब रहा है बुधनी, हे अरे अरे बाप रे मेरा बेटा, मेरा बेटा किधर है, अरे संभाल ले रे, भाग रे भाग रे बुधनी, पानी इधर आ रहा है, भाग भाग जल्दी भाग बुधनी, अरे अरे बुधनी बुधनी उठ उठ ले बुधनी उठ उठ, हाँ बुधनी चल 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 भाग चल भाग बुधनी, किसी तरह हम लोग आगे बुधनी आगे बच गए। ए ए साहब रुकिए रुकिए मुझे चिढ़ा लीजिए, मुझे ले चलिए, बचे बच गए। ये जल डमरू बाजे
जो रामेश्वर प्रेम का नाटक है उसका ये डायलॉग अच्छा लगा। जी जी जी। इसके अलावा आपने कोई एकल नाटक ये किया था? जी जी जी, मैं एकल नाटक तो बहुत किया है, लेकिन मैं इधर फिलहाल नाटक की बात कर रहा हूँ जो आज की अभिमन्यु है। और आज सौभाग्य है कि हमारे इसके राइटर गुरुदेव है श्री अनिल पतंग जी, और यह नाटक बड़ा चर्चा में रहा था, ऐसा सुनने को मिला है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कई पत्र पत्रिकाओं में इसका न्यूज आते रहा, तो मैं उसका आज का अभिमन्यु जिसके राइटर श्री अनिल पतंग जी हैं, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनकी परम आस्था विश्वास और शक्ति से आज नाट्य विधा के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो आज का अभिमन्यु का मैं थोड़ा सा डायलॉग लेता हूँ। आज का अभिमन्यु सुनाइए। साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, साहब मुझे कोई काम कर दीजिए। मैं बीए पास हूँ साहब, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए साहब, ले लीजिए, मैं पास कर जाऊंगा, सच कहता हूँ साहब। क्या खुश लगता है सर, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बिना घुस का नहीं होगा? मेरा घुस का नहीं होगा, मेरे पास डिग्री है सर, आप जैसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे आप पहले घुस लेते। ये डिग्री बेकार है, मैं पढ़कर पर पार हो गया। चला गया गांधी जी की सपना, कहां चला गया सत्य हरिश्चंद्र की सत्यवादी? अरे अरे भारत की दुर्दशा, अरे बहुत अच्छा। मिथिलेश जी, आपने कई फिल्मों में भी काम किया, क्या कोई उल्लेखनीय फिल्म हो? जर्जटिन में तो थोड़ा सा रोल है, हिंदी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो मैं दारू भोजपुरी फिल्म का सुनाता हूँ, बड़ा ही अच्छा है, और उसमें मैंने एक श्रावी का रोल किया है, और काफी लोगों के बीच में यह फिल्म गया है। तो लीजिए हम दारू भोजपुरी फिल्म का सुनाता हूँ। का कहत बने, ओ इधर आ, इधर आ जा, क्या बात करे तो यार, ये बात कहा के कहत रहे? अरे हमरा के कुछ रुपया मिल जाए आ जाके शराब पी ले, दारू पी ले, तारी पी ले, और क्या चाहिए, चला हम आज के अड्डा पर चली जाए और पियल जाए तारी। क्या पैसा? अरे पैसा तो यार नहीं है, कौन हो देगा, चलो ले लेते हैं कर्ज, 500 रुपये मिल गए, चलो यार आज हम पी ले तारी, महुआ के तारी, बड़ा बढ़िया रहा, क्या मजा आएगा यार। मिथिलेश जी, आपने अभिनय किया, लेखन किया, निर्देशन किया, अब आगे का फिल्म में भी आपने बनाया, लेकिन आप
कि कोई आगामी क्या योजना है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आगामी मेरी योजना है नए कलाकारों को फिल्म हो, अभिनय हो, नाट विधा हो, तो उसको देखते हैं कि बड़ा जल्द ही अव्वल होना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पेड़ लगाए हैं तो समय से ही वो फल देगा। तो आज के जो युवा है उसको मैं चाहता हूं कि स्तर से कलाकारी का क्या सैद्धांतिक है, गतिविधि है, यानी बच्चों के बीच में मैं रंगकर्म के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूं। और नाट्य लेखन तो जारी ही रहेगा, है भी, और फिल्म के क्षेत्र में भी मैं कार्य करना चाहता हूं, एक्टिंग हो और बतौर राइटिंग के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में भी करना चाहता हूं। उसमें संघर्ष में कर रहा हूं, पता नहीं क्या सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष जारी है। तो कुल मिलाकर मैं इतना कहूंगा कि फिल्म और नाट विधा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो भविष्य मेरे साथ साथ कुछ नवोदित कलाकारों को उज्जवल हो सके। आपको नए कलाकारों के लिए आपका कोई संदेश? नए कलाकारों का संदेश है वो मेहनत करे, संघर्षशील बने, और सबसे पहले किसी नाट्य संस्था से जुड़ जाए, कोई अच्छे नाट्य संस्था से जुड़ जाए और वहां की गतिविधि को सीखने के प्रयास करें, वहां की एक्टिंग को सीखने के प्रयास करें, जो सीनियर कलाकार है उनका कद्र करें, निर्देशक को कद्र करें और अधिक से अधिक सीखें, और फिर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। एक्टिंग करेंगे इंस्टीट्यूट से, जब वो निकलेंगे तब जाकर वो किसी छोटे फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म या धारावाहिक हो या कोई चैनल हो, तो उसमें वो कार्य करें, तब जाकर उसको विधिवत एक्टिंग क्या है, अभिनय कैसे करना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उसे कुछ रास्ता मिल सकेगा। मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा, नाट्य अभिनय और फिल्म अभिनय, अभिनय तो एक ही होता है लेकिन उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं एक्टिंग करने का। क्योंकि आप जब नाटक में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो दर्शकों के ठीक प्रत्यक्ष रूप से आप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो दर्शक सामने में आपको देखता है, और आप जो कुछ भी सही गलत कर लेते हैं वो एक बार में कर ही लेते हैं। लेकिन फिल्म एक ऐसी एक्टिंग का माध्यम है जिसमें आप अगर एक बार में ओके नहीं कर पाते हैं एक्टिंग को, तो कट बैक कट करके दो बार तीन बार में भी आप कर लेते हैं, तो वो सहज है फिल्म, लेकिन एक्टिंग आना चाहिए, तब आप फिल्म में भी अच्छे एक्टिंग करेंगे। और यह एक्टिंग का माध्यम नाटक है, किसी रंगमंच से अवश्य आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने अपने जीवन संघर्ष की बात की कि किस तरह से छोटे से गांव से आप निकलकर अपना क्षेत्र व्यापक किया और नाटकों और फिल्मों में भी काफी काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई भी हो और आपके प्रति शुभकामना भी है, और आपसे भी है। आप अगर कलाकार हो, साहित्यकार हो और अपने जीवन संघर्ष यात्रा को आप हमारे स्टॉप टीवी स्टूडियो से प्रसारित कराना चाहते हो तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें, 7004839500। यह हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है। और आप अगर दुनिया के किसी सुदूर कोने में रहते हो जहां से आप हमारे स्टूडियो तक नहीं आ सकते हो, तो आप खुद भी अपना इस संघर्ष यात्रा का वीडियो बनाकर हमारे इसी व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम उसको स्टॉप टीवी पर प्रसारित करने की चेष्टा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, और मिथिलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, और स्टॉप टीवी के सारे सदस्यों को, संचलनकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जो रंगकर्म और कला और साहित्य के संघर्ष को आपने बहुत दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक हौसला देते हैं, कुछ सीखने का माध्यम बनाते हैं,
तो मैं स्टॉप टीवी मुंबई को एक बार फिर से हार्दिक दिल से धन्यवाद धन्यवाद।